तूफान आने वाला है। जी हां, थोड़ी देर में महातूफान फोनी ओडिशा के पुरी से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक थोड़ी देर बाद पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान फोनी पुरी के दक्षिण तट से टकरा सकता है। इस तूफान के ओडिशा के 10,000 गांव और 52 शहरों पर इसका असर पड़ सकता है। तो 52 शहर और 10,000 गांव पर इसका असर पड़ सकता है। इस विनाशकारी तूफान के प्रभाव से बचने के लिए 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। भारतीय नौसेना और एनडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फोनी तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की है और हालात से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। चले भुवनेश्वर से हमारे साथ शांता स्वरूप और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शांता, किस तरह की तस्वीर आ रही है पीछे? हम आपके देख रहे हैं कि हवाएं तो चलने लगी हैं। जी जरूर, देखिए अभी जो चक्रवर्ती तूफान फनी धीरे धीरे उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है, अभी रफ्तार जो है एवरेज इन एंड एवरेज 20 किलोमीटर एवरेज से वो आगे बढ़ रहा है। जो हमारे पास लेटेस्ट रिकॉर्ड है 6:30 बजे तक वो पुरी से 70 किलोमीटर दूर है। अभी मैं पहले आपको विजुअल दिखाना चाहता हूँ, ये भुवनेश्वर मेट्रोलॉजिकल सेंटर का मौसम विभाग का जो हालत है, तो ये यहाँ आने के लिए 6-7 घंटे लगेगा, फिर भी यहाँ से इतना प्रभाव अभी से पड़ रहा है, अभी जो देख रहे हैं। और इसे अनुमान से आप जान सकते हैं कि जहाँ पे लैंडफॉल अभी होगा या पुरी के आसपास जो लैंडफॉल होगा वहाँ कितना रफ्तार से तेज हवाएं अभी चला रहे हैं। जैसे कि हमारे पास अपडेट है तो 6:30 बजे तक वो 70 किलोमीटर से था, तो लगभग जैसे कि 20 किलोमीटर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो इसके एवरेज में हम ये कह सकते हैं कि पुरी से अभी लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर है जो फनी के लैंडमार्क। अभी जो जैसे कि हमारा यहाँ का जो राडर में पहले से कल से एंट्री कर चुका है, तो उनके हिसाब से जो हमारे पास सूचना मिल रहा है धीरे धीरे वो 40 से 50 किलोमीटर शायद दूर आ चुका है। और अभी जो पुरी में 140 से ज़्यादा हवा चल रहा है, जो गस्टिंग विंड बोलते हैं वो 174 में विंड चल रहा है। और जैसे कि हम बोल रहे हैं कि रेनफॉल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल चल रहा है, और इसके लिए सारी पूरी तरह की जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में लगभग 11 जिला है, वो 11 जिला में एक्सट्रीमली रेनफॉल भारी बर्तन से बारिश होने के लिए जो अलर्ट था अभी वही ही दिख रहा है। और जैसे कि बोल रहे हैं ज्यादातर वहाँ पे विंड जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि 145 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से, ये घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 145 किलोमीटर के आसपास रफ्तार रहेगी और अभी मानी जा रही है पुरी के अंदर, और जब ये टकराएगा तूफान तो हो सकता है कि रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ जाए। जी जरूर, जैसे कि हमारे पास सूचना है जब भी वो टकराएगा उसी वक्त 170 से 180 और जो गस्टिंग विंड है 200 छू सकता है। अब और लैंडफॉल करने के बाद वो धीरे धीरे वीकेंड हो जाएगा, डिक्री हो जाएगा उनका स्पीड। तो अभी जैसे कि गस्टिंग वहाँ पे 174 रिकॉर्ड हुआ है अभी तक, जैसे कि पहले से जो फोरकास्ट हुआ था, प्रेडिक्ट हुआ था 174 से 180 रहेगा। तो अभी तक जो लैंडफॉल के लिए जो टाइमिंग था सुबह 8 से 12 बजे से इनके बीच में कहीं भी कभी भी वो लैंडफॉल करने का टाइमिंग था, तो अभी उनका इम्पैक्ट शुरू हो गया है। अभी ज़्यादातर ज़्यादा भारी बर्तन से बारिश हो गया है और हवा के बात बोलेंगे, हवा भी 174 क्रॉस कर चुका है। जी, अगर बात करें वहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं जो जान मान की हानि जो ज़्यादा ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, और इस तरह के लोगों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया अभी? जी देखिए, सारे जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे एक पूरी तरह के प्रस्तुत किया गया था, कल से सब प्रस्तुति खत्म हो चुका था। अभी धीरे धीरे जो इवैकुएट होने वाला था वो भी धीरे धीरे कल से कंप्लीट हो चुका था। अभी तक जो सब कोस्टल बेल्ट में जहाँ पे इसका असर ज़्यादा पड़ने वाला था इसी गांव में वहीं जिला में पूरी तरह के लोगों को इवैकुएट कर चुके हैं, और कहीं भी जो साइक्लोन सेंटर में उनको रखा गया है अभी वो फ्री फूडिंग दे रहे हैं, किचन उनको उनके लिए
सब इंतजाम किया है। और अगर देखेंगे जैसे कि जीरो कैजुअलिटी को फोकस करके यहाँ का हमारा जो गवर्नमेंट है वो जीरो कैजुअलिटी को फोकस करके सारी पूरी तरह की स्टेटमेंट ले रहे हैं। और पूरी जो पूरी में ज़्यादा असर पड़ने वाला है वहीं पे जैसे कि जो सब टूरिस्ट थे उड़ीसा के पूरी तट से टकरा गया है फोनी तूफान। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जरा पीछे की तस्वीर दिखा दीजिए आप भुवनेश्वर में, क्योंकि क्या यहाँ रफ्तार जो हवा है हवा की रफ्तार बढ़ी है आपके पीछे अभी? क्योंकि खबर यह आ रही है ओडिशा के पूरी तट से टकरा है फोनी तूफान। अभी दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें, जो फोनी तूफान है वो ओडिशा के पूरी तट से टकरा गया है और हो सकता है कि अब बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलें। क्योंकि हमारे सहयोगी शांता भुवनेश्वर में है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं उनसे जानकारी अपडेट ले लेते हैं। शांता के साथ साथ जानकारी भी है, और कुछ जानकारी ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि इंपैक्ट रेनफॉल के साथ यानी कि तेज बारिश के साथ और तेज। शांता आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ हवा बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी आपके साथ पीछे? जी जी जरूर, देखिए मैं भी वही आपको दिखा रहा था। अभी भी देखिए ये जो विजुअल में आपको हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे जो सुबह 6:30 बजे तक का अपडेट था 40 से 50 किलोमीटर से हवा चल रहा था, अभी लगभग ये 60 से 70 किलोमीटर क्रॉस चुका है जैसे कि पहले से प्रेडिक्ट हुआ था। यहाँ पर 100 से ज़्यादा बारिश विंड आने का चांसेस था, जैसे कि पहले से गस्टिंग विंड था 115 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर वो जैसे कोस्टल एरिया गोपालपुर से चांदबाली इसको क्रॉस करके उनका मूवमेंट है। और आज 5:30 बजे वो धीरे धीरे वीकेंड होके, अभी जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक था वो धीरे धीरे वीकेंड होके वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसके बाद रात 11:30 बजे वो ओनली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रूप ले जाएगा। लेकिन अभी जो स्टेज में है, अभी जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक है उनके वजह से धीरे धीरे कोस्टल ओडिशा और उनके एडजॉइनिंग जो इंटरियर ओडिशा है वो सारे डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट रख चुका है। अभी आप भी जैसे देख रहे हैं धीरे धीरे बारिश का भी तेज बढ़ रहा है, हवा का तेज भी बढ़ रहा है, और ऐसे कि धीरे धीरे आज दिन भर यहाँ पे ही वो एक साइक्लोन का रूप यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे कि लैंडफॉल करने के बाद धीरे धीरे वो पूरी को लैंडफॉल धीरे धीरे यहाँ पे भुवनेश्वर खोर्धा पूरी कटक यहाँ होके वो पश्चिम बंगाल धीरे धीरे चला जाएगा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी। तो क्या अभी जो हमें खबर आ रही है कि पूरी तट से टकरा गया है, पूरी पहुंच चुका है फोनी तूफान, क्या आपके पास कोई अपडेट आई है इस बारे में? देखिए अभी तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो यहाँ मेट्रोलॉजिकल सेंटर का डायरेक्टर वो बोल रहे थे कि ये बाई फोरनून अर्थात तो इनका जो टाइमिंग था 8 से 12 बजे तक कहीं भी कभी भी वो टकराएगा, तो लगभग शायद लग चुका है, क्योंकि 6:30 बजे अगर ये 70 किलोमीटर दूर पूरी से था और रफ्तार 20 किलोमीटर से आगे बढ़ रहा था, तो शायद यहाँ कम से कम यहाँ जो SRC वो बोल रहे थे कि वो 8:30 से 9:30 बजे तक कहीं भी कभी भी वो टकराएगा। तो ये भी अभी अभी सूचना हुए तो हम अगर जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन वो भी हो सकता है क्योंकि ये कोई भी एक सीधा नहीं है, क्योंकि ये एक 30 किलोमीटर रेडियस में इनका जो आई है वो 30 किलोमीटर रेडियस है, तो एक ही जगह में और एक ही प्लेस में उनका कोई गारंटी नहीं है कि वहीं पे ही टकराएगा। लेकिन पहले से तो था पूरे जिले में कहीं में कहीं भी कभी भी वो लैंडफॉल करेगा, तो शायद वो हो चुका है। और अभी जो आपको पास भी यह हमारा अपडेट हुआ है क्योंकि टकराया, लेकिन इसके प्रभाव से धीरे धीरे बारिश बढ़ चुका है और तेज़ भी पड़ चुका है आप तो जैसे देख रहे हैं विजुअल में जी। शांता बने रहे हैं, हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं भुवनेश्वर से, ये सीधी तस्वीर है और जो खबरें आ रही हैं कि पूरी तट से टकरा गया है फोनी तूफान, जिसका माना जा रहा था कि ये तस्वीर आप देखिए भुवनेश्वर से हम दिखा रहे हैं आपको अभी कि भुवनेश्वर में अचानक जो रफ्तार है हवा की वो तेज हो गई है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं भुवनेश्वर की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शांता बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।